मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी, मोहन सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमती पार्वती देवी जी, आलोक तोमर जी जिन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण साधु सिंह जी के जीवन से परिचय दिया, भगवान सिंह जी, अशोक सिंह जी, विशंबर सिंह जी, हमारे साथ आए हुए विजयपुर के विधायक रामनिवास रावत जी, सोवरन सिंह मावे, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह जी, जंडेल सिंह जी, शोभाराम सखवार जी, चंदन सिंह जी, आनंद सिंह तोमर जी, सुरेश जाटव जी, दिनेश जैन जी, वृंदावन सिंह जी, मनोज पाल जी, सभी मंच पर आसीन मेरे समस्त बुजुर्गों और खास करके इस अनोखी सुंदर पोरसा क्षेत्र की मेरी सभी प्यारी जनता, मुझे बड़ी खुशी है आज एक और मौका मिला आपके साथ रूबरू होने का, और ये हमारा सौभाग्य भी है कि आज हमारे समक्ष, हमारे बीच, हमारे अपने ही, हमारे परिवार के परमादरणीय अर्जुन सिंह जी भी हमारे साथ हैं। ये साधारण बात नहीं है, और मैं सबसे भी ये कहना चाहता हूं कि समूचे पोरसा क्षेत्र से, मोरेना क्षेत्र से और साधु सिंह जी के परिवार से मैं तहे दिल से अर्जुन सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे समक्ष आए। दो हफ्ते पहले उन्होंने मुझे कहा कि मोरेना क्षेत्र का मेरा दौरा 7 तारीख को हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप भी हमारे साथ में चले। और अर्जुन सिंह जी का तो मेरे ऊपर तो पूरा हक बनता है, जहां वो आदेश करेंगे वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ। और आज इस क्षेत्र की तरफ से मैं अर्जुन सिंह जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। इस मंच से कई मांगे रखी गई, लेकिन पिछले 4 सालों में जो पूरे देश में एक क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में अर्जुन सिंह जी ने लाई है, देश का एक एक नागरिक उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा, और आज की पीढ़ी नहीं लेकिन भविष्य की भी पीढ़ी उनको जरूर याद रखेगी कि जो उन्होंने एक नया बीज पूरे देश में बोया है शिक्षा के क्षेत्र में। कभी भी देश के इतिहास में इतनी राशि शिक्षा के क्षेत्र को नहीं मिली है, इतनी योजनाएं शिक्षा को क्षेत्र को नहीं मिली है जो अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में आज भारतवर्ष में मिला। तो आज तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और इसका भी उल्लेख मैं करना चाहूंगा, कई बार पहले तो मैंने मन से भी धन्यवाद किया है और अकेले में भी बैठ के धन्यवाद किया है, लेकिन गुना को जो नवोद्यालय दिया, मुंगावली को जो केंद्र विद्यालय दिया है, अभी अभी दतिया में भी एक केंद्र विद्यालय का की एक सौगात अर्जुन सिंह जी ने दी है, और आप जो पोरसा के मंच से अगर मांग रखी गई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोरेना क्षेत्र को भी सौगात देंगे। और जब आप और हम मिलकर प्यार से अर्जुन सिंह जी को परेशान करेंगे तो अर्जुन सिंह जी जरूर हमें करेंगे। अरे ठीक ठीक ठीक, मैं पहुंच जाता हूँ स्टेशन पर। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के स्मृति में आप और हम सब एकत्रित हुए, राजनीति से तो जरूर जुड़े हुए थे साधु सिंह,
लेकिन आज अगर इस क्षेत्र की जनता उनको याद करती है, उनकी स्मृति में जो इतनी सुंदर एक भव्य मूर्ति का अनावरण आज अर्जुन सिंह जी और हमने दोनों मिलकर किया है, आज क्षेत्र को ऐसे लोगों की जरूरत है, प्रदेश को ऐसे लोगों की जरूरत है, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने बारे में कम सोचें और गरीब और क्षेत्र की जनता के बारे में ज्यादा सोचें। मुझे ये सौभाग्य कभी जीवन में नहीं मिला था साधु सिंह जी से मिलने का, लेकिन जो सुनने में आता है कि इतने साफ सुधरे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, कर्मशील व्यक्ति थे, जन जन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर एक कार्य हर एक क्रांति में लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और एक बात जो मुझे बार बार कहा जाता है कि अगर एक बार किसी बात पे जवान दे दी तो बस समझ लो कि उसने दोबारा कोई सोच नहीं होता था। आज तो